हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने प्रतिशत के बेसिक चीजें बता दी थी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के बहुत सारे प्रश्न जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इस सवाल को किस ट्रिक से लगाना है। ठीक है, आप कैसे लगाते थे पहले वो भी मैं आपको बताऊंगा और कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने एक प्रश्न यहाँ पर लिखा है, किसी संख्या का 20% 80 है तो संख्या ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो यहाँ पर कोई संख्या है उस संख्या का जो 20% है वो 80 है तो संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, किसी संख्या का 20% एक्स है तो संख्या क्या होती है, माना संख्या क्या हमने मान ली एक्स, यानी माना संख्या एक्स उसका जो प्रतिशत है यानी एक्स। अब x का जो 20% है वो कितना है, 80 है। यानी हम ऐसे लिखते थे x का 20%, इस तरीके से लिखते थे ना, 20% कितना है, 80 है। फिर हम समझते हैं, जानते भी हैं कि x का जो मतलब होता है वो गुणा होता है, तो x गुणा 20% यानी 20/100% का मतलब नीचे 100 आ जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और बराबर में क्या है 80। तो 0 से 0 जाएगा, 2 पंजे 10। अब यहां से इसमें आप x का मान निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर यहां पर देखिए 5 कहाँ है, शायद यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा 5 कहाँ है, यहां पर नीचे भाग में है और ये बराबर में दिया गया है, यानी इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो x बराबर 5 8 40 यानी 400 आ जाएगा आपका आंसर। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारी संख्या है यानी 400 संख्या का 20% कितना होता है, 80 होता है। कहने का मतलब हम समझ गए क्या है, कि किसी संख्या का 20% 80 है यानी x का 20% 80 है, तो x गुणा 20/100 बराबर 80। तो x बराबर यहां से हम 0 से 0 काट देंगे, 2 पंजे 10 यानी कितना आ जाएगा, 1/5। अब हम 5 को उधर लेके जाएंगे, x बराबर जो चीज यहां पर भाग में है उधर बराबर में जाएगी, इधर किस में हो जाएगी, गुणा में। तो 80 और 5 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 400। यानी x बराबर हमारा कितना गया, 400। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो वो संख्या कौन सी आ गई, 400, यानी 400 का 20% 80 है। लेकिन हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम बताते हैं आपको। अब आपको एग्जाम में मानना उनना नहीं है, अगर आप मानोगे तो आपका टाइम बर्बाद जाएगा, टाइम आप खर्च कर दोगे। लेकिन आपको यहाँ पर कैसे लिखना है, यानी लिखा है किसी संख्या का 20% 80 है तो आपको लिखना है सीधे 20% बराबर कितना दिया गया है, 80 दिया गया है, और हमसे पूछा कितना रहा है, यानी वो संख्या पूछी है। तो हम कैसे पहले निकालेंगे 100% का, 100% का कितना हो जाएगा, देखिए 80 हो जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 20% निकालना है, यानी बटे में 20 आ जाएगा, और जो इसके बटे में जो संख्या आती है वो कहाँ जाती है, गुणा में। यानी 20% का मतलब क्या है, बटे 100 यानी 20/100, तो वो 100 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर यानी गुणा में 100। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 जाएगा, 2 पंजे 10 और यहाँ पर इसकी आप गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 यानी, और ये 0 तो आपका 400। यानी जो संख्या है प्रतिशत वो हमारी संख्या क्या है, 400, यानी आपका 400 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी संख्या का 20% 80 है तो हम लिखेंगे 20% बराबर 80, 100% निकालना है तो 80/ जो 20% है, 20 नीचे आएगा 100 ऊपर जाएगा। कहने का मतलब है, यानी जैसे यहाँ पर एक संख्या 1/2/3/1 सबसे नीचे वाली कहाँ जाएगी, सबसे ऊपर, यानी इसे हम पलट को लिख देंगे इस तरीके से, वो ही यहाँ पर हो जाएगा, बटे में 100 है, 100 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होता है जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 30% 40 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एग्जाम में हिंदी लिख कर आएगी, जो हिंदी लिखी होगी वो होगी कि किसी संख्या का 30% 40 है तो वो संख्या ज्ञात करना है। तो आपको कैसे लिखना है, माना एक्स, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बस आपको लिखना है 30% बराबर 40 और आपको 100% निकालना है। तो आप लिखेंगे 100% बराबर, जैसे कि मैंने आपको बताया 40। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 30% निकालना है 40 का, यानी 30% बटे में आएगा यानी 30, और गुणा में क्या पहुंच जाएगा, 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको काट देना है, 0 से 0 जाएगा और यहाँ पर 4 इसकी गुणा करेंगे, यानी 4 एकम 4 और यहाँ पर कितना जाएगा, 0 यानी 2 0। ठीक है, तो यहाँ पर बटे में क्या है, 30, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी यही वो संख्या है जिसका 30% 40 होता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, पॉइंट में भी आपका आंसर आएगा। 300 से 400 को काटोगे तो आपका 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 3 9 यानी 3 3 9 आपका आंसर आएगा, अगर आप इस तरीके से पॉइंट में काटते हो।
तीन एकम तीन यानी यहाँ पर 10 हो जाएगा, तीन तिया नौ, फिर यहाँ पर तीन तिया नौ, फिर तो आपका तीन तीन आता ही रहेगा इस तरीके से। तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा उस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया था उसका थोड़ा अलग है, यानी वहां पर पूछ रहा था संख्या, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है, यानी 400 का 20% कितना होगा, ठीक है, 400 का 20% कितना होगा। और वहां पर क्या था, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है वो क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट नंबर पे दिया था, यानी किसी संख्या का 20% 80 है। तो इसे हम कैसे सिद्ध करके मानेंगे कि ये क्या हमारा सही है या नहीं, यानी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 400 का 20% कितना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे 400, मैंने आपको बताया का मतलब गुणा ही होता है, और 20% का मतलब बटे में 100 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 0 से 0 काट देंगे, 4 2 8 और 0, तो यहाँ पर आपका 80 आ जाएगा आंसर। तो यही मैंने आपको पहले दिया था कि यानी कुछ वो हमें संख्या ज्ञात करनी थी जिसका 20% 80 है, तो वो संख्या क्या थी 400। कितना प्रतिशत है, यानी उस संख्या का 20% कितना है, तो 80 है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक दूसरे के उल्टे सीधे करने होते हैं, या तो आपको ये दे दिया जाएगा तो आपको ये ज्ञात करना होगा, ये दे दिया होगा अगर आपको तो ये ज्ञात करना होगा, ये दोनों दिए होंगे तो आपको ये ज्ञात करना होगा, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए हमने अगला क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी जो 1.5 है वो 7.5 का कितना प्रतिशत है, यानी 1.5 7.5 का कितने प्रतिशत है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको बहुत ही सरल तरीका है। पहले आप इसको 1.5 को आप सिंपल में लिख लीजिए, जैसे 1.5 है, मैंने सिंपल में आपको कैसे भिन्न में लिखना, जैसे यहाँ पर 1.5 दिया गया, तो हम नीचे क्या मानते हैं 1, यहाँ पर हमने 5 हटाया, नीचे क्या बढ़ाया 0, यानी हमारा ये आ गया 15/10। इसी तरीके से हम 7.5 को करेंगे, तो नीचे हम पहले क्या लिख लेंगे 1, और अब 5 हटाएंगे तो क्या जाएगा 0, ठीक है। अब हम इसको छोटा कर लेंगे, यहाँ पर हम इसको काट भी सकते हैं या आप इसके ऐसे ही रख सकते हैं। अब आपको सॉल्व करना है, यानी हमारा आ गया है ये, इसका मतलब है 15/10 है, और ये हमारा कितना है 75/10 है, ठीक है। ये आपको मान लीजिए इनका 15/10 75/10 का कितना प्रतिशत है, तो इसको हम हटा देते हैं, फिर आपको बताते हैं इसे सॉल्व करके। तो हम देखिए इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे 1.5 यानी 15/10 का 1.5 का 7.5 का कितने प्रतिशत है, जो 1.5 यानी जे है इसका कितना प्रतिशत है, तो आपको कैसे लिखना है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है 15/10, ठीक है। तो हम लिखेंगे 15/10, उसके बाद आपको क्या लिखना है 75/10, यानी बटे में आ जाएगा 75/10। अब आप जानते हैं कि अगर हमने इसे यहाँ पर लिख दिया 75/10, ठीक है, तो जो यहाँ पर बड़ी लाइन है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली संख्या वो कहाँ जाएगी, मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर जाएगी, और जो यहाँ पर है वो यहाँ पर, यानी इनका कहने का मतलब है जो गुणा में संख्या होती है वो नीचे वाली सबसे ऊपर जाएगी और ये वाली यहाँ पर जाएगी। अगर हम भाग करेंगे भाग, तो हम इससे ये वाली संख्या काट सकते हैं और इससे ये वाली संख्या काट सकते हैं। तो हम इसे पहले लिख लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में, यानी जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम लिखेंगे 15/10 यहाँ पे गुणा में, कैसे लिखेंगे 10/75, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे 15/10 गुणा 10/75। अब हमको इसे क्या करना, सॉल्व करना है, तो यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है, इसका आपको कितने प्रतिशत है, यानी आपको प्रतिशत में निकालना, और आप जानते हैं जब हम प्रतिशत में निकालते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, जब भिन्न में निकालते हैं तो हम 100 से भाग करते हैं। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे 100, ठीक है, यहाँ पर हम लगा लेंगे 100। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 10 को 10 से काट देना है, और 15 से आपको 75 काट देना है, 15 × 5 = 75। अब आपको ये काटना है, 5 × 2 = 10 = 0, यानी हमारा कितना प्रतिशत आ गया 20%। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, 1.5 7.5 का 20% है, बात समझ में आई, यानी 1.5 7.5 का 20% है। अगर आपसे पूछा जाए 7.5 का 20% कितना है, तो आपका 1.5 निकल आएगा। इस तरीके से आपको करना होता है, ये आप एक बार फिर से समझ लीजिए, हमको निकालना है प्रतिशत, प्रतिशत निकालने के लिए हमको करना पड़ती है गुणा, किससे करनी पड़ती है 100 से, जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हमको 100 से गुणा करनी पड़ती है, अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या दी गई है भिन्न, पहले तो हमने इसको लिया पलट, पलटने के बाद इस तरीके से लिख लिया, अब यहाँ पर लिखने के बाद हमने बताया आपको प्रतिशत में बदलने के लिए हमको गुणा करनी, तो मैंने लिख दिया गुणा
सौ, 10 से 10 काट दिया क्योंकि ये भाग में है, 10 के 10 यानी काट दिया, और 15 से 75, 15 बजे 75, 5 से 100 को काट दिया यानी 20, तो हमारा कितना आ गया 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना, बिल्कुल बेसिक से समझिए, बिल्कुल आप समझिए कुछ भी नहीं आता, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का कमेंट बॉक्स का रिप्लाई देता हूँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए, यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो संख्या ज्ञात करो, यानी आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने आपको पहले कैसे बताया था कि यानी यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो हम क्या मान लेते थे, x, लेकिन आपको x मान के नहीं करना है। चलिए हम फिर भी बता देते हैं, किसी संख्या माना यानी x का 23% 46 है तो आपको क्या करना, x गुणा 23% = 46, 23/100 करनी है, 100 इधर आएगा बटे में 23 आ जाएगा, इस तरीके से आपको बनाना होता है। लेकिन आपको सीधे सिंपल लैंग्वेज में बताएं, आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको करना क्या है फिर, आपको सीधे लिखना है 23% यानी 46 है तो आपको क्या करना है, 100% निकालना होता है, तो बराबर क्या लिखेंगे, 46/23 × 100। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर गुणा 100 नहीं करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, वो भी 1 0 बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता है जब हम गुणा 100 से करेंगे तो हमको 0 बढ़ा सकते हैं, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 0 तो 2 बढ़ाने ना, 100 से गुणा करना है, 1 नहीं बढ़ाना है, ये तो दिक्कत होती है, तभी तो आपका आंसर नहीं आता है। तो आपको 0 कितने बढ़ाने हैं, 2 बढ़ाने हैं, तो यहाँ पर आप 2 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1 से आप जानते हैं अगर हम 1 में किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो 1 ही तो वही तो संख्या आ जाती है, तो आपको सीधे 0 बढ़ाना है। ठीक है, 1 नहीं 2 बढ़ाना है। अब आपको क्या करना है, इसको काट देना है, जो आप काटेंगे जो आंसर आएगा वही आपका होगा प्रतिशत, यानी वो संख्या होगी। ठीक है, 23 से 46 काटेंगे, 23 दूनी यानी 2 3 6 2 2 4, और यहाँ पर कितने 0 है, 2 0, तो आपको 2 0 लिख देने हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया है वो कितना है, 200, यानी कहने का मतलब क्या है, यानी जो 200 संख्या यानी 200 संख्या का 23% 46 है, समझ गए, 200 का 23% 46 है, तो आपका राइट आंसर क्या है, 200। आपसे पूछा क्या था, यदि किसी संख्या का 23% 46 तो संख्या क्या है, तो संख्या हमारी 200 है। तो बात समझ में आई कि 100% = 4600/23 आप लिख सकते हो, इस तरीके से आपको सॉल्व करना, आपको मानना उनना नहीं है वरना बड़बड़ा जाएगा दिमाग आपको, सिर्फ इस तरीके से आपको करना है। इसी तरीके को हम इसको हम दूसरे हिसाब से करके दिखाते हैं, मतलब क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आपका आंसर कितना आया था, 200 आया था। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से हम 46 को गायब कर देते हैं, हम आपको यहाँ पर हम आपके सामने 46 आंसर लेके आएंगे, यानी आपके लिए प्रूव करके दिखाने वाले हैं। तो जो हमने निकाला था 200, ठीक है, 200 का क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 200 का 23% क्या होगा, यानी कितना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे, 200 × 23/100, जैसे कि आप जानते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए, आपको सॉल्व करना है, 0 से 0 काट देना है, 23 दूनी 46, लो आ गया आपका आंसर। इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर जो प्रतिशत होता है वो आपका 100% बराबर ही लिखना आपको, तभी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे किसी संख्या का 23% कितना था, 46, तो हम कैसे लिखते थे, 23% = 46 और 100% = 46/23 × 100, बस आपको यही तरीका अपनाना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की 180 का 15% कितना होगा, यानी 180 का 15% आपको निकालना है। मैंने आपको बताया काका मतलब क्या होता है, गुणा, तो आपको क्या लिखना है, 180 × 15। मैंने आपको बताया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 यानी प्रतिशत, परसेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर यानी बटे में 100 यानी प्रतिशत, तो आपको क्या लिखना है, बटे में आपको 100 करना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको सॉल्व करना है, नीचे भाग में ऊपर गुणा में, तो हम 0 से 0 काट सकते हैं, 2 5 10 और 2 5 10 और 2 9 18, ठीक है, 5 3 15 9 3 27, दो आ गया आपका आंसर, 27 आपका क्या है, 180 का 15% है। ठीक है, ये आप समझ गए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27, 180 का 15% कितना है, 27। अब इसी सवाल को हम उल्टा करके दिखाते हैं आपको, 180 को यहाँ पर आप गायब कर दीजिए,
यानी किसी संख्या का 15% कितना है, 27 है, ठीक है। किसी संख्या है वो हमारी कोई संख्या है, वो 15% कितना है, 27 है। तो हमारी संख्या ज्ञात करनी है, माना संख्या एक्स है, लेकिन आपको उस तरीके से करना नहीं है, मैं हिंदी आपको बता रहा हूँ, यानी हिंदी आप समझ लीजिए पहले। किसी संख्या का 15% 27 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, सवाल वही है, बस आपको चेंज कर दिया मैंने। तो आपको करना क्या है, 15% बराबर आपको लिखना है 27, और आपको मैंने बताया कि 100% मान के लिखना है, यानी 100% बराबर 27 बटे में क्या आ जाएगा, 15, गुणा में क्या पहुंच जाएगा, 100। 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 नेम 27, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 0, यानी कितना हो गया 20, 9 दूनी 18, यानी 180 आपका आंसर, यानी 180 का 15% 27 है, जो कि भी मैंने आपके यहाँ पर आपके लिए लिखा था। तो आप समझ गए आपका आंसर कितना आ गया, 180। इस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 30.00 का 30% क्या होगा, यानी 30 का 30% क्या होगा। जीरो के बाद की इधर की संख्या कोई मान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, जीरो है, संख्या नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या लिखेंगे, आपको कुछ नहीं लिखना है, बस काकी जगह गुणा लगाना है, और 30 का प्रतिशत कितना होगा, यानी 30/100, ठीक है, जीरो से जीरो आप काट देंगे, और 3 3 9, तो आपका कितना आ जाएगा, 30 का 30% 9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। तो आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ पर लिखा है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर का कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर बराबर 250 सेंटीमीटर, यानी 250 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है, कितना 35 सेंटीमीटर आपको प्रतिशत निकालना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 250 सेंटीमीटर, यानी इसका इतना प्रतिशत। तो हम कैसे लिखेंगे, 250 सेंटीमीटर का, यानी का मतलब क्या है, गुणा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 200 का 35, यानी का कितना प्रतिशत, यानी 35 है, तो आपको प्रतिशत निकालना, यानी 250 का माना एक्स प्रतिशत कितना है, 35 सेंटीमीटर, यानी बराबर में 35 सेंटीमीटर है। तो आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, बस जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से आपको सॉल्व करना है, या फिर यहाँ पर का मतलब आप गुणा लिख सकते हैं इस तरीके से, आप गुणा, ठीक है, एक्स प्रतिशत, एक्स का मतलब एक्स बटे 100, प्रतिशत का मतलब 100, और बराबर में कितना है 35। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको बात समझ में आएगी कि 100 अगर यहाँ पर गुणा में जाएगा इसके, तो कितना हो जाएगा 3500, और 250 उसके नीचे आ जाएगा, तभी तो एक्स का मान निकलेगा, यानी एक्स बराबर ऊपर कितना हो जाएगा 3500, ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 250, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉल्व करना, आपका प्रतिशत निकल आएगा, यानी यहाँ पर बटे में 100 है, हमको क्या निकालना है, प्रतिशत। तो यहाँ पर ये काहे में पहुंच जाएगा, गुणा में, ठीक है। अभी मैं उस तरीके से ही बताऊंगा, अभी मैंने मान के यहाँ पर निकाला है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आपको सिंपल ले काट देना है, 55 25 5 7 35, यानी और यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, 14 5 70, 5 से आप 70 को काटेंगे तो आपका कितना जाएगा 14, यानी 14% आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, लेकिन इस तरीके से आपको पेपर में नहीं करना है, मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया। अब आपको पेपर में कैसे करना, चलिए बताते हैं। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना है, जैसे यहाँ पर है 35 सेंटीमीटर 200 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी 250 सेंटीमीटर, तो आपको लिखना है एक्स बराबर 35 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक्स प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितना है, 250। प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करनी पड़ती है, तो सीधे यहाँ पर 20 बढ़ा लीजिए, बस आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 55 25 5 7 35 0, ठीक है, 14 5 70, तो आपका 14% आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मानना उन्ना नहीं है, इधर उधर नहीं करना, बस आपको लिखना है 35 सेंटीमीटर का 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत है, हाँ देखना, मान लेना एक्स प्रतिशत है, ठीक है। तो आपको करना है क्या, सीधे लिखना आपको एक्स प्रतिशत बराबर 350 बटे जो यहाँ पर 35 है, यहाँ पर आपका जो 350 है वो 350 के बटे में कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो आपको कैसे लिखना है, यानी जो हमारा 35 सेंटीमीटर है वो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। एक बार आप फिर से समझिए, आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, लेकिन अब आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए बात को ध्यान से समझिए, एक्स प्रतिशत, ठीक है, मैंने 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को हमने लिख दिया था 250 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, आपको 35 सेंटीमीटर बटे 250 लिखना है। आपको क्या करनी है, प्रतिशत में निकालना, तो आपको 100 से गुणा करनी है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया था, 100 ना लिख के बल्कि 3500, यानी 100 से गुणा कर दी, तो यानी यहाँ पर हमने 20 लिख दिए थे, ठीक है।
तो इस तरीके से अब आपको इसे काट देना है, इस तरीके से ठीक है। 25 25, 5 7 तो 35 यानी 70 आ जाएगा, और 14, तो इस तरीके से आपका 14% आ जाएगा। अब मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको समझ में आ गया है बिल्कुल, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे, अगला जो टॉपिक है उसमें आपको घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी के सवाल पूछे जाते हैं, यानी वहां पर आपको क्या करना होगा अगर आपसे पूछा जाए कि 10% बढ़ोत्तरी कितनी होगी। यानी अगर आपसे कि 200 में या 300 में 500 में 400 में 10% बढ़ोतरी के बाद जो संख्या होगी वो संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना है। अगर बढ़ोतरी पूछी जाए तो आपको 100 में प्लस कर देना है 10, तो कितना हो जाएगा 110, ठीक है, 110%। इसी तरीके से आपको अगर 10% घटोत्तरी पूछा जाए तो आपको 100 में से घटा देना है, तो आपका कितना हो जाएगा 90%। तो आपको बात याद रखनी है कि वृद्धि अगर आपसे पूछी जाए तो आपको वृद्धि में 100 में प्लस करना है, और कमी पूछी जाए यानी घटोत्तरी तो उसमें आपको 100 में से घटा देना है। एक्स की जगह आप जैसे कोई संख्या 5% बढ़ोतरी तो आप लिखेंगे 105%, 100 में से मतलब 1.5% घटोत्तरी तो आप लिखेंगे 100 में से आपको 5% घटोत्तरी तो आपको घटा देना है यानी 95%। तो ये होते हैं बढ़ोतरी और घटोत्तरी वाले सवाल। तो यहाँ पर हम आपके लिए सवाल पहले लिखते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको मृद्यु को हम क्या बोलेंगे, बढ़ोतरी, और कमी मतलब घटोत्तरी। तो चलिए देखते हैं सवाल को। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है कि 200 में 20% वृद्धि के बाद कितनी संख्या हो जाएगी, तो आपको करना क्या है, लिखना है 100 प्लस 20%, यानी 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारा 120% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 200 में 20% वृद्धि के बाद कितनी संख्या हो जाएगी, तो आपको 200 लिखना है, गुणा लगाना है, और कितना हो गया हमारा जोड़ के 120 आपको निकाल देना है, बटे 100 यानी 120 का प्रतिशत आपको निकालना है। बस आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, 0 से 0 काट देना है, 0 से 0 काट देना है। तो यहाँ पर आपको गुणा करनी है 12 0 12 2 24, तो जो हमारी 240 है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमारी संख्या हो जाएगी 20% बढ़ोतरी के बाद, ठीक है। अगर 20% की कमी हो जाए तब, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 200 में 20% कमी के बाद कितनी संख्या हो जाएगी, तो आपको करना क्या है, 100% में से आपको 20% घटा देना है, तो आपका कितना बचेगा 80% बचेगा। बस आपको सॉल्व उसी तरीके से करना है, आपको लिखना है 200 गुना 80 बटे 100, ठीक है। 100 दूनी 200 यानी 2 तो आपका आ ही जाएगा, और 8 दूनी 16 यानी 160 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, आप समझ गए। बस आपको बात याद रखनी है, बढ़ोतरी में 100 में आपको जोड़ देना है, घटोत्तरी में 100 में से आपको घटा देना है, फिर आपको वही प्रतिशत जो आपसे सवाल में पूछा जाए वो आपको लगाना है। चलिए आप देखते हैं फटाफट एक एक करके क्वेश्चन को। तो देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि 120 में 30% वृद्धि के बाद जो संख्या होगी वो संख्या क्या होगी, यानी 120 में 30% क्या हुई हमारी वृद्धि हुई है, तो जो संख्या है वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको बस करना क्या है, वृद्धि हुई है तो आपको लिखना सीधे 100 100 में 30 को ऐड कर देना है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 130%, 130% आएगा 120 में, तो आपको सिंपल लिखना है 120 गुणा 130 बटे 130 बटे प्रतिशत का मतलब होता है 100 बटे में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, और 12 और 13 को आपको करनी है गुणा, बस आ जाएगा आपका आंसर 12 13 की गुणा करें कितना जाएगा 156, ठीक है। और गुणा करने की मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक बताई, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे वीडियो दी गई है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको गुणा करने का बहुत मात्र आप 2 सेकंड में कोई भी गुणा आप निकाल सकते हो, ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। इसी सवाल में हम आपको एक चीज हम बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है 156, ठीक है 156। अब हम यहाँ पर 120 यहाँ पर हम गायब कर देते हैं, ठीक है, हम हमें आपको मानिए यहाँ पर 120 ज्ञात करना है, ठीक है, यानी 120 हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर मैंने मान लिया एक्स, तो 120 कैसे लेके आएंगे, देखिए यहाँ पर 100 दिखा है, ठीक है 100 लिखा है, तो यहाँ पर 156 है जो गुणा में पहुंच जाएगा 100, और जो बटे में 130 है वो नीचे आ जाएगा 130। अब इसे आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 120 आएगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व, इसे देख 13 से भाग देंगे हम, 13 एकम 13, ठीक है 13 दूनी 26, और 12 एकम 12 और 0 यानी 120 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई संख्या है उसमें 30% वृद्धि होने के बाद वो हमारी कितनी बन जाती है 156 बन जाती है, तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या हमारी 120 होगी। बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना, उल्टा सीधा करना होता है, कुछ भी नहीं होता, बस आपको मेथड अपनाना है। मेथड क्या अपनाना है,
कि जब हमको प्रतिशत में निकालना होता है तो 100 से गुणा करनी पड़ती है, और जब हमको भिन्न में निकालना तो 100 से हमको भाग करनी पड़ती है। ठीक है, भाग क्यों करनी पड़ती है? जैसे कि मैंने आपको बताया 30% का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। ठीक है, अगर हम इसका इसका भी अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो हम गुणा 100 से करेंगे ना, 100 से 100 आएगा तो हमारा 30% फिर से आ जाएगा ना वापिस, वही होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 400 के 10% तथा 15% का योग क्या होगा? इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर देखा, 400 के 10% अगर आप याद करेंगे जो निकल के आएगा, तथा उसी का 15% याद करेंगे जो निकल के आएगा, अगर आप उसे जोड़ देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करने वाले हैं। आपको मैंने बताया था कि के और काप का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, 400 गुणा 10% तथा 15%, यानी 10% तथा 15% का योग पूछा है, तो हम सिंपल लिखेंगे 10 प्लस 15% और %। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका प्रतिशत निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 400 गुणा 10 और 15 को क्या करना है, जोड़ देना है। 10 15 कितना हो जाएंगे, 25/100 लिख देना। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पर पूरी लाइन क्यों खींच देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ पर इसे हटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये रहेगा ऊपर का ऊपर ही। ठीक है, ये इतना भी आपका वही है, गुणा में है, इसका इसका भाग में है, इसका इसका भाग में, और ये गुणा में है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बात आप समझ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको काट देना है। ठीक है, 25 चक्कू कितने होते हैं, 100 होते हैं, 4 एकम 4 यानी 100, तो आपका जो 400 के 10% तथा 15% का योग है वो कितना जाएगा हमारा, 100। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 400 के 10% तथा 15% का योग क्या होगा, तो आपको लिखना है 400 गुणा 10 प्लस 15%, 10 15 को जोड़ देंगे 25/100, 100 इस तरीके से आप कर सकते हैं, 100 चक्कू 400, 25 चक्कू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, यानी जो राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इस सवाल को आपको समझना है, अगर आप ऐसे ही सवाल को देख लिया और आप क्या करने लगे, एक दूसरे में लड़ाने लगे और आपका आंसर आ गया, तो आप आंसर तो ले आएंगे लेकिन आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन में ही नहीं होगा, लेकिन आपको सवाल को समझना, अगर आपने सवाल समझ लिया समझ लो आपका आंसर आ गया। सवाल क्या कह रहा है, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, जो माना जैसे राम की आय है और जो मोहन की आय है। ठीक है, मोहन की आय है, यहाँ पर देखिए राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो इसकी जो आय मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत, जो मोहन की आय है वो राम के इससे कितने प्रतिशत है, तो आप क्या लिखेंगे, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, यानी 100 में से आपको 20% कम कर देना है, यानी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और यह कितना गया 20%, तो आप कैसे निकालेंगे, 20/80% में पूछिए आपको क्या करना है, गुणा 100। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने होगा, अभी दिखेगा, बस आपको सॉल्व करना है, 0 से 0 जाएगा और आप काटिए, 2 से काटेंगे आप, या फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10/4। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा और ये हमारा 0 0 भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, रुक जाइए, अभी आपको दिखने लगेगा यहाँ पर कैसे हमने काटा, यहाँ पर देखिए 0 से मैंने 0 काट दिया। ठीक है, मैंने काटा 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10 यानी 5/4, 4 से हमने यहाँ पर क्या किया, 2 यहाँ पर हमने गुणा कर दी, 5 दूनी 10 और बटे में 4 आ गया, 5 दूनी 10, 1 0 तो ये मैंने उतार दिया, 1 0 ये वाला बचा था, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको काटना है 4 एकम 8 4, 4 दूनी 8 कितने बचे, 2 और 4 पंजे 20 यानी कितना जाएगा, 25%। तो आपका जो आय है मोहन की आय राम की आय से 25% क्या है, अधिक है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मैंने लिख दिया 100 में से 20 गया यानी 80% है, किसकी आय, राम की आय, किसकी है, किससे, मोहन की आय से, मोहन की आय जो मोहन की आय है वो राम की आय से, जो मोहन की आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपको क्या करना है, 20/80 गुणा 100 आपको काट देना, आपका जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, 25%। तो आप समझ गए इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है जो क्या कह रहा है, अगर आप ऐसे ही लड़ा के चलोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से पहले समझा करो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 80 में 20% वृद्धि हुई, यानी जो संख्या है वो संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, 100 में आपको वृद्धि हुई है तो 20% आपको जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 120%। अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, तो आप कैसे लिखेंगे, 80 गुणा
120 बटे 100, जीरो से जीरो जाएगा और जीरो से जीरो जाएगा, 12 8 96, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 96। तो ये बात आप समझ गए, वृद्धि में आपको क्या करना है, 100 में ऐड करना है और कमी में आपको क्या करना है, 100 में से माइनस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने मैंने बताया आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से आपको प्रत्येक वीडियो मिलती रहेगी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।